हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 लास्ट वर्ड नंबर 3 ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस 6x क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर रूट ऑफ अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3। ये रहा आपका ये सम। क्या दिया हुआ है? ये एक तो पॉलिनोमियल्स है, ये पॉलिनोमियल्स का दो दो जीरो दिया हुआ है और इसका आदर्श जीरो निकालना है। तो ये पॉलिनोमियल्स का ये डिग्री क्या है? डिग्री 4 है। तो डिग्री 4 है तो इसको जीरोस कितना, मैक्सिमम जीरोस होंगे क्या? 4। तो 4 में से आपका कितना दिया हुआ? 3 दिया हुआ है। तो और कितना चाहिए? और कितना निकलेंगे? 2 ही निकलेंगे। तो ये कैसे निकलेंगे? अभी देखिए, ये बात है, ये जो जीरोस दिया है ये मतलब ये जो यहाँ में बिठाएंगे जब, तब तो ये पूरा पॉलिनोमियल्स क्या बनेगा? जीरो बनेगा। तो ये कहाँ पे बिठाएंगे? ये एक्स का जगह में बिठाएंगे, जहाँ पे एक्स है ये एक्स में बिठाएंगे, क्योंकि यहाँ में एक्स वेरिएबल है। तो जीरोस है तो ये एक्स का वैल्यू है। तो ये मान लीजिए ये रूट 5/3 ये एक्स का वैल्यू है। ये एक्स का वैल्यू कब निकलेंगे? जब एक्स माइनस रूट 5/3 इजिकल टू जीरो बनेगा, ये फैक्टर रहेगा। तब तो ये प्लस रूट 3/2 रूट 5/2 बने निकलेगा। मतलब ये देखिए, ये जो माइनस है उधर लेके जाए, क्या क्या बनेगा? रूट ऑफ 5/3। मतलब ये जो रूट, ये जो आपका जीरो दिया है, ये प्लस होने से यहाँ में माइनस एक्स का, और ये माइनस होने से सिर्फ ये क्या होंगे, ये प्लस होंगे, यहाँ में प्लस बैठेंगे। तो वो जो बैठेंगे ये एक्स माइनस ये एक्स प्लस ये क्या होंगे? ये होंगे आपका ये इसका फैक्टर। और ये फैक्टर से जब डिवाइड करेंगे उसके बाद क्या निकलेंगे? द रिमाइंडर विल बी जीरो। फैक्टर से कोई भी क्या डिवाइड करने से वो रिमाइंडर जीरो मिलता है। रिमाइंडर जीरो नहीं मिलेंगे तो वो फैक्टर ही हो नहीं सकता, वो फैक्टर हो ही नहीं सकता। तो दिखता है हम लोग अभी क्या, ये फैक्टर भी निकलेंगे फिर वो जीरोस भी निकलेंगे। कैसे? मान लीजिए सॉल्यूशन, ये जीरोस आर क्या दिया हुआ है? रूट अंडर रूट 5/3 अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3, ये दोनों है। देन क्या होंगे? एक्स माइनस रूट 5/3 और एक्स प्लस रूट 5/3, ये आपका क्या होंगे? इसका फैक्टर होंगे, ये रहेगा फैक्टर। तब ये क्या होंगे? एक्स स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या बनता है? ये ए प्लस बी और रहा ए माइनस बी, क्या होंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्या होंगे? फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म। तो ये रहा फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। तो ये क्या होंगे? फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर स्क्वायर और रूट क्या होता है? कैंसिल। मतलब ये रूट का मतलब पावर हाफ, हाफ और टू कैंसिल, क्या बनेगा? 1। मतलब 5/3। ये आपका क्या होंगे? जीरो इतना है तो ये होंगे, इट इज द फैक्टर, इज ए फैक्टर। ये भी एक तो फैक्टर होंगे, किसका?
ये जो आपका दिया हुआ है क्या पॉलिनोमियल्स इसका फैक्टर है। तो फैक्टर से हम लोग डिवाइड करता है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री डिवाइड क्या थ्राइस एक्स टू दिवा फोर प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस माइनस फाइव ये रहा। तब क्या होंगे एक्स स्क्वायर और थ्राइस एक्स टू दिवा फोर से डिवाइड करना, थ्राइस एक्स टू दिवा फोर और एक्स स्क्वायर। तो क्या एक्स स्क्वायर मतलब क्या था, एक्स इंटू एक्स थ्री, एक्स टू दिवा फोर मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स ये फोर मरतबा। तब एक दो एक है दो, टू टू एक्स कैंसिल क्या रहेगा थ्री इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू थ्री थ्राइस एक्स स्क्वायर ऐसा भी बोल सकता है। यह हमें पावर टू है या हमें फोर है, जो टू से ये फोर से टू काट जाएगा मतलब माइनस होंगे, माइनस होने से टू ही बसेगा। अभी थ्री थ्री एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स टू दिवा फोर प्लस माइनस माइनस ये क्या माइनस फाइव बाई थ्री किससे इंटू हो रहा है थ्राइस एक्स स्क्वायर से। तो अब क्या होंगे थ्री थ्री कैंसिल माइनस फाइव एक्स स्क्वायर फाइव एक्स स्क्वायर। तब क्या होंगे ये प्लस था ये माइनस मान लीजिए, ये माइनस था प्लस मान लीजिए, उसके बाद क्या करना उसको ऐड करना जोड़ना। तो प्लस थ्री माइनस थ्री कैंसिल ये रहा सिक्स एक्स क्यूब, ये प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव। फिर ये एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कीजिए, ये सिक्स एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर थ्री से टू घटेगा तो वन मतलब एक्स बसेगा थ्राइस एक्स प्लस सिक्स एक्स सिक्स सिक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस और क्या होंगे माइनस फाइव बाई थ्री इंटू सिक्स एक्स ये क्या टू टू फाइव जा टेन माइनस टेन एक्स। फिर क्या करना ये भी प्लस है माइनस लीजिए, ये माइनस है तो प्लस सिक्स एक्स क्यूब माइनस सिक्स क्यूब कैंसिल ये रहेगा आपका थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस टेन माइनस टेन कैंसिल फाइव। तब ये क्या एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना किसको ये थ्राइस एक्स स्क्वायर को। तब क्या एक्स स्क्वायर कैंसिल क्या रहेगा ये आपका थ्री, फिर थ्री इंटू एक्स स्क्वायर थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और ये आपका था ये थ्राइस एक्स स्क्वायर से ये थ्री ये फाइव क्या क्या रहेगा ये फाइव ये माइनस ये प्लस प्लस थ्राइस एक्स स्क्वायर कैंसिल माइनस प्लस फाइव माइनस फाइव कैंसिल ये आपका क्या बन गया क्या बन गया ये बन गया आपका जीरो। रिमाइंडर क्या जीरो मतलब ये फैक्टर है। तो और एक बात है ये जो पॉलिनोमियल ये कैसे मिलेंगे फिर देयरफॉर हम लोग ऐसा लिख सकता है थ्राइस एक्स टू द फोर सिक्स एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स माइनस फाइव इजिकल मतलब ये आपका डिवीजर और ये क्वेश्चन डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर तो जीरो है, ये दोनों इंटू करने से क्या ये डिवाइडेंड मिलेंगे। तो ये डिवाइडेंड है ये रहा आपका एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाई फाइव होल टाइम्स ऑफ क्या थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री ये रहा। फिर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री
ये आपका क्या करना, कॉमन लेना है, फिर ये हमें टू टर्म्स बनाना है, टू फैक्टर्स बनाना है। ये थ्री टर्म्स है, थ्री टर्म्स को टू टर्म्स टू फैक्टर बनाने से क्या करेगा, ये मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ता है क्या नहीं। तब क्या थोड़ा याद कीजिए, ये थ्री थ्री जा नाइन, तब थ्री एक्स एंड थ्राइस एक्स सिक्स एक्स, थ्री थ्री जा नाइन मिल जाएंगे। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस थ्राइस एक्स प्लस थ्राइस एक्स प्लस थ्री, एक्स स्क्वायर फाइव बाई थ्री, ये क्या रहा कॉमन, थ्राइस एक्स, ये थ्राइस एक्स स्क्वायर है, थ्राइस एक्स कॉमन ले गया, क्या क्या रहेगा एक्स, थ्राइस एक्स प्राइ ले लिया तो वन, कुछ कॉमन थ्री तो कॉमन है, तब यह रहेगा एक्स और यह में भी वन। मतलब एक्स स्क्वायर फाइव बाई थ्री, फाइव बाई थ्री, ये रहा आपका एक्स प्लस वन और ये रहा थ्राइस एक्स प्लस थ्री। तो यह में इसमें से हम लोग को कितना फैक्टर मिल गया, फिर दो फैक्टर आ गया। तो ये फैक्टर से हम क्या मिलता है, वो जीरो से मिलता है। अब फैक्टर को क्या करता है, वो जीरो का बराबर लिखना पड़ता है। देयरफॉर क्या आएगा, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड यह में आएगा थ्राइस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तब क्या एक्स वन इधर जाएगा तो माइनस वन, और ये थ्राइस एक्स थ्री राइट साइड में चला जाएगा तो माइनस है, और एक्स माइनस थ्री और माइनस थ्री प्लस थ्री कैंसिल माइनस वन, ये रहा आपका एक्स इजल टू माइनस वन। फिर क्या क्या आ रहा है, ये जो हमको दो दो क्या जीरो से निकालना है, और दोनों जीरो से हमको बराबर आ रहा है क्या वन, दोनों इक्वल इक्वल आ रहा है। देयरफॉर आदर्श जीरोस, आदर जीरोस क्या माइनस वन एंड माइनस वन, ये रहा आपका थ्री का सॉल्यूशन। आप लोग को समझ में आए होंगे, यस ठीक है। अभी नेक्स्ट चलता है नंबर फोर। नंबर फोर में क्या कहा, नंबर फोर में दिया वन डिवाइडिंग थ्राइस एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइ, वन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू बाय पॉलिनोमियल जी एक्स। ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल को जी एक्स से डिवाइड करो। द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, क्वेश्चन एक्स माइनस टू और रिमाइंडर माइनस ट्वाइस एक्स प्लस फोर रेस्पेक्टिवली, फाइंड जी एक्स। तो अब जी एक्स निकालना है। नंबर फोर, यह हमको पता है क्या, वी नो, वी नो दैट, क्या जानता है, यह आपका रहता है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स किसका बराबर है, ये पी एक्स का पॉलिनोमियल है, मतलब जो डिवाइडेंट है। तो यहाँ में बिठा दीजिए, जी एक्स तो निकालना है, क्यू एक्स क्या दिया हुआ है, क्यू एक्स है आपका जो कोशियंट, कोशियंट है एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू। आर एक्स क्या है, आर एक्स था आपका रिमाइंडर ट्वाइस एक्स प्लस माइनस ट्वाइस एक्स प्लस फोर इज इक्वल क्या डिवाइडेंड, एक्स क्यूब माइनस थ्राइस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, ये रहा आपका ये डिवाइडेंड। तब ये सिंप्लीफाई कीजिए, क्या
ए जी एक्स होल इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस थ्राइस एक्स स्क्वायर और ये एक्स प्लस टू, ये ट्वाइस एक्स इधर डालिए, माइनस था प्लस ट्वाइस एक्स प्लस फोर, इस तरह क्या बनेगा माइनस फोर इज इक्वल एक्स क्यूब थ्राइस एक्स स्क्वायर और क्या एक्स प्लस ट्वाइस एक्स थ्राइस एक्स और क्या प्लस टू माइनस फोर माइनस टू, प्लस टू माइनस फोर, ये जी एक्स प्लस टू माइनस फोर क्या होंगे, ये आपका एक्स बाय टू, ये इंटू था, ये हमें इधर डालिए तो क्या होंगे, ये डिवाइड में रहेगा, एक्स क्यूब एक्स क्यूब थ्राइस एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स स्क्वायर और क्या ये एक्स और ट्वाइस एक्स थ्राइस एक्स माइनस फोर प्लस टू माइनस टू और ये एक्स माइनस टू रहा नीचे। अब इसको डिवाइड कीजिए, एक्स माइनस टू ये क्या डिवाइड करने से क्या निकलेगा जी एक्स, जी एक्स ही तो निकलना है, तब ये एक्स क्यूब थ्राइस एक्स स्क्वायर थ्राइस एक्स माइनस टू, एक्स से डिवाइड कीजिए एक्स क्यूब को, ऐसा क्या ये तीन था एक कैंसिल तो दो ही बसेगा, मतलब एक्स क्यूब बसेगा एक्स स्क्वायर बसेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, ये मल्टीप्लाई करने से पहले वाला से बराबर होना ही पड़ेगा, ये प्लस माइनस माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स स्क्वायर, ठीक है ये प्लस है, ये प्लस था माइनस डाल दिया क्योंकि जब माइनस करना है तो माइनस था प्लस डाल दिया, प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब क्या है ये कैंसिल, ये माइनस थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री से प्लस टू जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बसेगा, मतलब माइनस वन एक्स स्क्वायर, ये रहा थ्राइस एक्स माइनस टू, तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये एक्स से डिवाइड हो रहा है तो एक टू एक्स कैंसिल क्या माइनस एक्स बच जाएगा, तो एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू इंटू एक्स ट्वाइस एक्स, ये माइनस था प्लस प्लस था माइनस, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर थ्री से टू जाएगा तो वन एक्स, एक्स माइनस टू कितना वन आएगा एक्स माइनस टू, ये माइनस ये प्लस कैंसिल जीरो, देयरफॉर क्या डिवाइड करके क्या निकला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, देयरफॉर ये रहा आपका जी एक्स डिवाइड का वैल्यू, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, वेरी सिंपल, समझ में आए होंगे आपको। अभी देखिए नेक्स्ट, अभी सिक्स का वन देखिए, सिक्स का वन में दिया है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल थ्राइस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस वन इज वन, वन जीरो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है वन, देन फाइंड द ऑल द अदर जीरोस, पॉलिनोमियल किस का डिग्री क्या है थ्री है तो उसके कितना जीरो दिया हुआ है एक है और कितना निकलना है यस और टू निकलना है, तो एक जिससे निकलेंगे अभी देखिए सॉल्यूशन वन वन जीरो
इज वन. देयरफॉर ये प्लस था, ये एक्स माइनस वन इज अ फैक्टर. तो क्या होगा, एक्स माइनस वन विल बी द फैक्टर. ये एक्स माइनस वन होंगे इसका फैक्टर. तब तो ये जीरो होंगे, एक्स इसका जीरो का बराबर कर देंगे तब तो ये वन निकलेंगे. अभी एक्स ये फैक्टर है तो फैक्टर से डिवाइड कीजिए, क्या वन एक्स माइनस वन किसको, जो पॉलिनोमियल का जीरो दिया हुआ है, मतलब थ्राइस एक्स क्यूब, थ्राइस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस वन प्लस वन. तब थ्राइस एक्स क्यूब है, एक्स से डिवाइड कीजिए, एक्स एक कैंसिल टू, मतलब थ्राइस एक्स स्क्वायर टाइम्स होंगे, थ्राइस एक्स स्क्वायर टाइम्स. तब थ्राइस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 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 थ्राइस एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस थ्राइस एक्स स्क्वायर इंटू वन, वही रहेगा माइनस थ्राइस एक्स स्क्वायर. ये था ये प्लस, ये है माइनस था प्लस बनेगा. प्लस थ्राइस एक्स क्यूब माइनस थ्राइस एक्स क्यूब क्या होंगे, कैंसिल. माइनस वन और प्लस थ्री, तो थ्री से वन घटेगा तो टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा में प्लस है तो प्लस थ्राइस एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस वन ये रहेगा. फिर एक्स से ट्वाइस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कीजिए, तब क्या होंगे, एक्स एक्स कैंसिल और क्या रहेगा, ट्वाइस एक्स बसेगा, ट्वाइस एक्स, ट्वाइस एक्स इंटू एक्स ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस टू इंटू वन टू एक्स. ये प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस टू माइनस थ्री माइनस एक वन. और तब क्या है, माइनस माइनस एक्स डिवाइड हो रहा है एक्स से, एक्स एक्स कैंसिल क्या निकलेगा, वन, मतलब माइनस वन. माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन वन से वन, ये रहेगा प्लस ये रहेगा माइनस, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, प्लस वन माइनस वन कैंसिल जीरो. ये था आपका फैक्टर, इसलिए उस डिवाइड करने से क्या निकला, जीरो. अभी क्या है, ये और ये इंटू करने से क्या ये मिलेगा, ये और ये मल्टीप्लाई क्या देगा, ये देगा गिव्स दिस, मतलब देयरफॉर थ्राइस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन होल टाइम्स ऑफ थ्राइस एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस वन. ठीक है, तो इसको पहले जैसा कीजिए, ये और ये इंटू करने से क्या आएगा, थ्री, थ्राइस एक्स स्क्वायर, थ्री वन जा थ्री, वेरी सिंपल. एक को थ्री मान लीजिए और एक वन, वन एक्स माइनस वन. अभी क्या कॉमन आएगा, थ्राइस एक्स स्क्वायर और प्लस थ्री, ये थ्राइस एक्स कॉमन आएगा, ये रहा एक्स और कुछ नहीं बसेगा, मतलब वन, ये कुछ नहीं कॉमन वन एक्स माइनस था, माइनस कॉमन लिया, तब क्या हमेशा उल्टा ही होता है. जब यहाँ में कॉमन में माइनस होता है, माइनस लेने से ये इसमें अंदर में क्या आएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस बनेगा. फिर एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन कॉमन लिया गया, यहाँ में क्या था, थ्राइस एक्स माइनस वन. तो इसका तो था है, और क्या, और दो फैक्टर क्या है, ये और ये, और ये दोनों को जीरो का बराबर करने से क्या, जीरो ही निकलेंगे. देयरफॉर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड थ्राइस एक्स माइनस वन इज इक्वल जीरो, मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस वन थ्राइस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, और
एक्स इज इक्वल टू 1/3 देयरफॉर आदर जीरोस कितना निकला दो ही पहले तो बोल चुका है क्या दो ही निकलेंगे एक है -1 और प्लस 1/3 ये था ये 6 का 1 फिर आ गया नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसे मान लीजिए 6 का भी 3 को बनाता है 3 क्या है 1 आप लोग के लिए छोड़ दिया 3 में दिया हुआ है इफ 2 जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल x टू द पावर 4 प्लस ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 26x स्क्वायर माइनस 54x माइनस 27 आर 3√3 एंड -3√3 एक जैसा है फाइंड ऑल द अदर जीरोज तो दो जीरोज दिया है इसका डिग्री कितना है 4 है तो कितना निकलेंगे और 2 है तो 2 को हम कैसे निकलेंगे वो पहले भी कर चुका है अब दिखता है देखिए 2 जीरोज या 3√3 आवर था एंड -3√3 तो ये जीरोस है तो फैक्टर क्या है इसके लिए फैक्टर है आपका -3√3 और इसके लिए होंगे प्लस एक्स प्लस 3√3 देन क्या फैक्टर देन एक्स -3√3 और एक्स प्लस 3√3 ये दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से भी ये फैक्टर ही निकलेंगे इज ए फैक्टर इक्वल क्या होंगे इज इक्वल ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म आ गया फिर फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म आ गया तो क्या है फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर फर्स्ट टर्म में क्या एक्स स्क्वायर सेकेंड टर्म में 3√3 होल स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर मतलब 9 √3 स्क्वायर मतलब 3 9 3 जा 27 समझ में आ गया ना हाँ अब इससे ये फैक्टर इज ए फैक्टर ये भी एक फैक्टर है तो इससे डिवाइड कीजिए तो क्या निकलेगा 0 निकलेगा और दूसरा फैक्टर भी हम लोग निकाल सकते हैं तब क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 27 क्या दिया हुआ है एक्स टू द पावर 4 और दिया हुआ है ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 26 एक्स स्क्वायर माइनस 54x माइनस 54x माइनस 27 ठीक है अभी एक्स स्क्वायर एक्स टू दिया 4 में कितना टाइम जाता है ये स्क्वायर है ये 4 है तो 2 कट जाएगा फिर 2 मतलब एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू दिया 4 माइनस प्लस माइनस 27 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर का नीचे बिठा है लाइक टर्म से क्या होता है वो जुड़ता या घटता है ठीक है ये प्लस से माइनस ये प्लस था माइनस था प्लस ये प्लस एक्स टू द 4 माइनस एक्स टू द 4 क्या कैंसिल क्या रहा प्लस ट्वाइस एक्स क्यूब प्लस 27 माइनस 26 मतलब प्लस एक्स वन वन प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस 54 एक्स माइनस 27 फिर ट्वाइस एक्स क्यूब
ट्वाइस ट्वाइस एक्स क्यूब डिवाइड किससे, एक्स स्क्वायर से, ये थ्री था ये टू है तो कैंसिल वन बसेगा, मतलब ट्वाइस एक्स रहेगा, ट्वाइस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 27 इंटू टू 54 एक्स, ए माइनस ए प्लस ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस ट्वाइस एक्स कैंसिल, क्या रहा एक्स स्क्वायर, ए प्लस 54 माइनस 24 कैंसिल 54, ये रहा 27, ये क्या सेम है, कितना टाइम जाएगा तो वन ही टाइम, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27, ए प्लस प्लस था माइनस माइनस था प्लस, प्लस कैंसिल प्लस माइनस 27 प्लस 27 कैंसिल, क्या था ये जीरो। अभी देखिए तब क्या है, पहले जैसा ये किसका बराबर है, ये इंटू ये, देयरफॉर एक्स टू द फोर प्लस ट्वाइस एक्स क्यूब माइनस 27 एक्स स्क्वायर माइनस 54 एक्स माइनस 27 इजिकल एक्स स्क्वायर माइनस 27, ये रहा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, पर इससे तो हमको जीरो निकाला दिया हुआ है, फिर इससे हमको जीरो निकालना, तो इसको क्या करना फैक्टराइज, एक्स स्क्वायर 27, ये क्या 1 इंटू एक्स स्क्वायर 1x स्क्वायर, ये बीच में कितना है, मिडिल में 2 है, 1 से 2 कैसे निकलेंगे, 1 1 से 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या होंगे 2 होंगे, तो ये प्लस एक्स 1x प्लस 1x प्लस 1, तो ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 27 कॉमन आएगा x, तब x प्लस 1, फिर यहाँ में कॉमन आएगा 1x प्लस 1, तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 27, ये रहा एक्स प्लस 1 कॉमन, ये रहा एक्स प्लस 1, तो फिर कितना निकले निकला कितना फैक्टर 2, देयरफॉर एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0, अगेन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, यहाँ भी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, तो क्या अदर जीरोस क्या है, ये एक्स का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू क्या माइनस 1 एंड माइनस 1, देयरफॉर अदर्स जीरोस माइनस 1 एंड माइनस 1, ठीक है समझ में आए होंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आपका आएगा 7, 7 का 1 में 1 डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल्स, एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है 6 एक्स स्क्वायर एक्स टू द 4 प्लस 11 एक्स क्यूब माइनस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स माइनस 50 बाय अनदर पॉलिनोमियल्स, किससे डिवाइड करेगा थ्राइस एक्स प्लस 7, द रिमाइंडर इज फाउंड एस माइनस 15, फाइंड द क्वेश्चन, तो ये तो पहले का जैसा है, वी हैव क्या है ये पॉलिनोमियल दिया है, डिवाइडेंड दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है, डिविजर रिमाइंडर ये सब का खेल है, तो क्या ये फॉर्मूला आता है ना, क्या है वो, ये था आपका जैसे जी एक्स ये क्यू एक्स क्वेश्चन प्लस आर एक्स ये पी एक्स पॉलिनोमियल, तो ये क्या दिया हुआ है 1 डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल दिस बाय अनदर पॉलिनोमियल्स, मतलब ये x थ्राइस x प्लस 7 से डिवाइड किया, तो ये थ्राइस x प्लस 7 इनटू क्वेश्चन,
प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आया माइनस 15 इजिकल क्या होंगे पॉलिनोमियल्स क्या 6x4 प्लस 11x³ माइनस 7x² माइनस 15x माइनस 50। अभी देखिए थ्राइस एक्स प्लस 7 क्यू एक्स क्वेश्चन इज इक्वल 6x⁴ प्लस 11x³ माइनस 7x² माइनस 15x माइनस 50 और ये रहा माइनस 15 इधर आएगा तो प्लस 15 बनेगा मतलब क्या है देयरफॉर qx इज इक्वल 6x⁴ प्लस 11x³ माइनस 7x² माइनस 15x माइनस 50 और प्लस 15 तो 50 माइनस है वो भी माइनस 50 से ये 15 को माइनस कीजिए क्या होंगे 35 तो 35 ये बड़ा में क्या था माइनस साइन था तो माइनस 35 तो ये इधर जाएगा थ्राइस एक्स प्लस 7 मतलब ये जो पॉलिनोमियल है इसको थ्राइस एक्स प्लस 7 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कीजिए थ्राइस एक्स प्लस 7 6x⁴11x³ 7x² 15x माइनस 35 थ्राइस एक्स 6x⁴ थ्राइस एक्स 3 6 में 2 एक्स 1 है 4 है तो 4 से 1 जाएगा तो 3 मतलब ट्वाइस x³ ट्वाइस x³ इंटू थ्राइस एक्स 2 3 जा 6 x⁴ प्लस 2 7 जा 14 x³ ये प्लस था माइनस प्लस 6x⁴ माइनस 6x⁴ कैंसिल माइनस 14 प्लस 11 मतलब माइनस थ्राइस x³ माइनस 7x² माइनस 15 माइनस 35 फिर माइनस थ्राइस x³ बाय 3 3 3 कैंसिल x यह में स्क्वायर था क्यूब था एक कैंसिल तो ये स्क्वायर है तो माइनस x² माइनस प्लस माइनस थ्राइस एक्स इंटू x² थ्राइस x³ प्लस माइनस माइनस 7 इंटू x 7x² ये माइनस था प्लस ये प्लस थ्राइस x³ माइनस थ्राइस x³ क्या है कैंसिल है ये प्लस 7x² माइनस 7x² कैंसिल माइनस 15x माइनस 35 फिर माइनस 15x को थ्राइस x है x कैंसिल 3 जाएगा 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 इंटू थ्राइस x माइनस 15x और माइनस 5 इंटू प्लस 7 माइनस 37 ये था प्लस ये था प्लस माइनस 15x प्लस 15x कैंसिल माइनस 35 प्लस 35 कैंसिल क्या रहा 0 देयरफॉर क्या निकल रहा है कोशिएंट देयरफॉर qx कोशिएंट क्या है ट्वाइस x³ माइनस थ्राइस x² माइनस 5 ये रहा आपका कोशिएंट ठीक है ये समझ में आए होंगे फिर आ गया नेक्स्ट
नेक्स्ट क्या है, वन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल्स बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू से डिवाइड करो एक पॉलिनोमियल को, द कोशेंट इज फाउंड ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू एंड द रिमाइंडर इज माइनस एक्स प्लस फोर्टीन, फाइंड द पॉलिनोमियल्स। मतलब वो डिवाइडेड निकालना है। तो पहले जैसे नंबर टू में वी हैव क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स डिविजर इंटू कोशिएंट क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स। तो ये पी एक्स ये डिवाइडेड निकालना है। तो ये क्या दिया हुआ है, जी एक्स किससे डिवाइड किया, हम डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल बाय एक्स स्क्वायर माइनस टू, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू से डिवाइड किया, ये डिविजर। क्या निकला, फाउंड मतलब कोशिएंट दिया ट्वाइस एक्स स्क्वायर, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू प्लस रिमाइंडर क्या, माइनस एक्स प्लस फोर्टीन, रिमाइंडर है माइनस एक्स प्लस फोर्टीन। अभी देखिए ये इंटू हो रहा है तो एक्स स्क्वायर, इसे इंटू कीजिए ट्वाइस एक्स स्क्वायर फाइव एक्स माइनस टू, फिर माइनस टू से भी होल इंटू इंटू हो रहा है तो माइनस टू, ये क्या है ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू, ये प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस 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 फोर्टीन। माइनस कीजिए ये टू, इससे पहले क्या है कुछ नहीं, मतलब वन है, वन इंटू टू टू, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू दिया फोर, प्लस 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 फाइव इंटू वन फाइव, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब, प्लस माइनस माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस टू टू जै फोर एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस फाइव टू जै टेन एक्स, माइनस माइनस प्लस टू टू जै फोर माइनस एक्स प्लस फोर्टीन। तब ट्वाइस एक्स टू दिया फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब, ये माइनस ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर, दोनों माइनस है तो इसे जोड़ दीजिए, ये हमें इंटू नहीं है तो क्या माइनस माइनस टू एंड माइनस फोर, मतलब टू प्लस फोर क्या सिक्स, और इसके माइनस डाल दीजिए सिक्स एक्स स्क्वायर, माइनस टेन और माइनस वन, मतलब टेन प्लस वन इलेवन, तो दोनों माइनस तो माइनस इलेवन, और प्लस फोर प्लस फोर्टीन प्लस एट्टीन। मतलब ये था आपका क्या, ये पॉलिनोमियल्स, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या है, इज ट्वाइस एक्स टू दी फोर प्लस फाइव एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस इलेवन एक्स प्लस एट्टीन। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। यह में यह लेसन हमको क्या फिनिश हो गया, कंप्लीट किया। धन्यवाद।